नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और आज जिस जगह मैं मौजूद हूं, ये काफी बड़ा इतिहास है इस जगह का। और यहां से अब ये जगह मुझे नहीं लगता किसी पहचान की मोहताज है, क्योंकि आप मैप्स पे भी डालेंगे तो अब ये जगह आपको हर जगह दिखेगी। और कहते हैं ना, पूरा इंडियन लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जो है इस जगह का नाम कर दिया हम सभी के फेवरेट यूट्यूब के सलमान खान एल्विश यादव ने, और उनके कुछ खास लोग, उनके जो ताऊ जी हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और हम सभी को पता है कल जो है उनका एक सम्मेलन वाला है, जहां पे बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेके फिल्म वाले लोग, जितने भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं, हर कोई वहां मौजूद होगा। सबका मेला लगेगा वो सिनेमा के सितारों का। और खास लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। और आज सबसे पहले बात करते हैं, सबसे ज्यादा हमारे खास जो गेस्ट है आज के एल्वी जी के जो ताऊ जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो बाबा अमरनाथ जी इनका नाम है, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इंडिया न्यूज पे। वो हमारे भाई का लड़का है, और वो मतलब बहुत अच्छा लड़का है, और भाई हमारा भतीजा है, और भाई वो बहुत मतलब जीत कर बहुत बढ़िया काम करा है उसने, बहुत खुशी की बात है। उसने गांव का नाम कराया, मोहल्ले का कराया, और हरियाणा डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव जिला का नाम कराया है। ठीक है जी, धन्यवाद, पूरा वर्ल्ड का नाम, धन्यवाद। जब आपको पता चला कि वो जीत गए, तो आपका बेटा ही जैसे ही है वो भी, तो उस तरह कैसा माहौल था, और आपने अपने भाई को बधाई दी? बहुत खुशी की बात हुई, हमने बहुत बहुत बधाई दी, खुशी की बात हुई, क्यों हमारा भाई का लड़का हमारा भतीजा है। तो जी, ऐसा जब होता है कि आपने उसको देखा है बचपन से, एल्विश भाई को आपने देखा बड़े होते हुए, और वो जो सफर था आपके आसपास खेलते होंगे, और कैसा उनका एक बार बताइए कि कैसे हैं वो एज ए इंसान, कैसे हैं वो? उनका वातावरण बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लायक लड़का, बहुत अच्छा है। हाँ, तो वही आपका आशीर्वाद उन पे है, तो आज वो इतने बड़े बड़े जो मुकाम पे पहुंचे हैं, बस ऐसा ही आशीर्वाद आप बना के रखे आगे भी। हम दोनों का भगवान उसने सुख शांति दे, हाँ, खुश रखे और ऊंचा बढ़े, तरक्की करे, राजनीति में भाग ले, गांव का नाम रोशन करे। तो दोस्तों, जिस तरह आप देखा आपने इन्होंने किस तरह बताया, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। वजीराबाद से मुंबई तक का सफर, बॉलीवुड तक का सफर एल्विश का, सारा कुछ जानेंगे इंडिया न्यूज की मेगा जो कवरेज है उस पे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, अपना नाम बता दीजिए। मैं टीकाराम कौशिक वजीराबाद विलेज से हूँ, नाते में हमारा पोता लगता है, और बहुत ही लायक, और शुरू से ही बचपन से ही इसका जो शौक था वो बाहर ऐसे चीज़ों में था, अब भी मैं एक ऐसा अच्छा इंसान बन के दिखाऊँ। हमारे इनके जो पापा हैं, हमारे क्लास फेलो हैं मास्टर रामोदार जी, और बहुत ही अच्छे सज्जन हैं, और लड़के ने तो जो है ना पूरे वर्ल्ड में बिग बॉस के ओटीटी उस बॉस में, बिग बॉस के इसमें बहुत ही अच्छा इसने जो है ना परफॉर्मेंस किया, और गांव का नाम रोशन किया, स्टेट का नाम रोशन किया, और इंडिया का प्लस इंटरनेशनल का। जी, एक आम से घर का लड़का, उनके पिताजी टीचर हैं, मदर हाउस वाइफ हैं, और 17 साल के इतिहास में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कोई वाइल्ड कार्ड जाके वहाँ पे बिग बॉस जीता है, तो पहला ऐसा इंसान एल्विश जी जिन्होंने जाके इस रिकॉर्ड को तोड़ा, और पूरे विश्व में नहीं, विश्व के बाहर भी, न्यूयॉर्क में आपने देखा टाइम्स स्क्वायर पे उनके जो लाइफ बैनर है वो वहाँ चल रहे थे। इन्होंने करके दिखाया है, ये अपने बलबूते पे करके दिखाया है इन लोगों ने, इस बच्चे ने, और बहुत ही अच्छा और लायक इंसान है, बच्चा है। इसने जो भी कुछ किया है अपने बलबूते पे किया है, अपने माँ बाप का प्लस गांव का जो भी नाम रोशन किया है इसने अपने बलबूते पे किया है, जो भी कुछ किया है। बिल्कुल। तो आपकी, मैं देखा आप दुकान भी है आपकी यहाँ पे, तो दुकान भी एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, यहीं से एल्विश जो है टॉफ़ी चॉकलेट ले जाते थे। बिल्कुल, ये वो दुकान है, आप दुकान भी देख सकते हैं, और ये उसी के ओनर भी हैं यहाँ हमारे साथ जो बातचीत कर रहे थे। तो आप आइए एक बार दुकान पर। तो कौन जो यहाँ सारे जो है ये रखे हैं दोस्तों, ये यहाँ से जो इस दुकान से वो सामान लेते थे, कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि आज पैसे ना आए ताऊ, आज कल दे दूंगा? ऐसा कुछ नहीं था, लड़के ने कभी, हर तरह के हुनर उसके अंदर हैं, उसमें कहने की कुछ जरूरत नहीं है। बाकी ये है कि जब पढ़ता था किसी भी तरह की, उसको मतलब इस तरह का महसूस ही नहीं होने दिया, अगर दादाजी मुझे ये करना है, दादाजी मुझे ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी उसको बेटा समझ के हर चीज़ को अवेल करके देते थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि सलमान खान से लेके आलिया भट्ट तक हर कोई उनके फ़ैन है, और बॉलीवुड में चाह रहे काम करना चाहते हैं। सलमान खान ने खुद बोला है कि मैं काम करूँगा, तो अब एल्विश का जो अगला कदम होगा बॉलीवुड की तरफ, तो आपने सोचा था कभी कि मेरा बेटा जैसा है, मेरा बेटा बॉलीवुड में काम करेगा? बिल्कुल, देखो जी, हमारा तो नाते में पोता लगता है, हम ब्राह्मण हैं वैसे तो, लेकिन यादव हैं, लेकिन फिर भी जो है ना हर चीज़ से जो उसने कभी ऐसा हमें महसूस ही नहीं होने दी, जो उसने करके दिखाया है बहुत ही अच्छा, गुडविल करके दिखाया है, गाँव का हर तरह से
अड़ोसी का पड़ोसी का किसी को कभी इतना महसूस ही नहीं होने दे भाई मैं इस लाइन में जा रहा हूँ। आपने कभी किसी दूसरे न्यूज़ वाले ने भी हमसे कई दफ़ा पूछा था भाई हरियाणा के बच्चे हैं, हरियाणा के बच्चे तो खेल कूद में जाते हैं, ये इस लाइन को पढ़ा, ये इसकी अपनी एक च्वाइस थी, इस च्वाइस की वजह से इसने जो है बिग बॉस में जो विनर है, ये इसके फॉलोवर्स प्लस ये है कि गांव का आशीर्वाद, हम जैसों का आशीर्वाद प्लस मीडिया तो है ही है जी, मीडिया तो जो फर्स्ट है तो उसमें तो जो है आप लोगों का अच्छा रोल किया यार, लेकिन इतना अच्छा इसने किया यार। बाकी कल आप देखना गांव में जब वेलकम जब होगा इसका, जब आप देखिएगा तो कब इसका अच्छा वेलकम किया जाएगा। और कल जो दादाजी ये जो कल वो होने वाला है सम्मेलन होने वाला है अभिनंदन सम्मेलन, जिसमें खट्टर जी भी आ रहे हैं, सब बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जो जितने भी लोग हैं सिनेमा के वो भी इसमें शामिल होंगे, तो किस कैसा एक्साइटेड हैं, कैसा कल के लिए कितना तैयारी है? तो ऐसा है कि गांव तो बहुत अच्छी तरह उसका वेलकम करेगा, प्लस जितना भी ये गुड़गांव में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जो उसका एक भव्य समारोह हो रहा है उसमें आपको कहीं एक इंच भी जगह खाली नहीं मिलेगी, इतना ज़बरदस्त जाम मिलेगा। और यहाँ गांव में जब उसका वेलकम होगा तो गांव वाले बहुत अच्छी तरह उसका वेलकम करेंगे। और ये जो एलविश भाई ने बोला था कि 1000 एक गाड़ी होनी चाहिए काफिला, तो वो 1000 से तो क्या, इधर तो कुछ भी नहीं है, लाखों गाड़ियों की बात करो आप, कहेंगे लाखों गाड़ियों में हिसाब तब बन जाएगा, क्योंकि घर घर गाड़ियाँ हैं, प्लस इसके जो फ्लोर इतने अच्छे हैं। अभी आपने देखे होंगे, आपने देखो, मैं कहूँ एक दिन भी जिस दिन से जितना, वैसे पहले से ही ये यूट्यूब पर काफ़ी पॉपुलर था, प्लस इसने जो काम करके दिखाया है उससे जितने भी फॉलोअर्स जो हैं उन लोगों ने बहुत ही इनका अच्छा सहयोग किया है, प्लस अब गांव के तो देखो जी है ही है सर। हाँ, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल कल जा रहे हो एलविश भाई से मिले? बिल्कुल सर, बिल्कुल सभी जा रहे हैं सर, सिस्टम मिलाने जाएंगे, सिस्टम लेके जा रहे हैं अपने बाइक दुकान सालू जी की, इनकी दुकान डीजे की, हम सर डीजे का सिस्टम करा के सर इनके लिए, सर डीजे सर ये खैर डीजे वाला सर यादव डीजे एलविश एलविश यादव का गाना तो सुना दो, सर डीजे यादव एलविश यादव का गाना तो सुना दो एक बार भाई। सेटअप पे चलाते हैं हम अपने बढ़िया बढ़िया गाने, और भाई जब आएगा जिस दिन हम अपना सेटअप सारे कल पूरे सिस्टम से भाई कल ठीक है। आपने वोट दिया था एलविश को? भाई पूरी कर दी यार, कमाल कर दिया यार, पूरा सब वोट एक साथ दिया, 50-50 वोट सिस्टम को जी। बिल्कुल, कल जो है ये आप बता दीजिए लोगों को कि जी जी हाँ बिल्कुल, कल के लिए कितना एक्साइटेड है बता दो कैमरे पे। अरे पूछ समझ रहा था, नींद भी मुश्किल आवेगी जाने के लिए सुबह। भाई दो ही चीज है इस टाइम, एक सन्नी पाजी गदर 2 और एक एलविश यादव, इंडिया में दो ही चीज छाई हुई है इस टाइम, सिस्टम है भाई। और जिस तरह आपने देख लिया दोस्तों, कल आप दो मेट्रो स्टेशन है नजदीकी जो कल होने वाला सम्मेलन, एक इफ्को चौक और दूसरा हुडा सिटी सेंटर, वहां से आप आ सकते हैं। और कोई आपकी फीस नहीं है, कोई आपकी टिकट नहीं है, आप सब आके वहां पे मिल सकते हैं। ताऊ देवीलाल स्टेडियम है गुड़गांव में, वहां पे आप जाके मिल सकते हैं एलविश यादव को, और जितना हो सके उतना लोग आए और जितने भी लोग उनसे प्यार करते हैं वहां पे आप पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर प्यार करें, और ऐसी अच्छी अच्छी कवरेज हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।